You're welcome in Poonch Life. ये एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था हाड़ी बुड्ढा एरिया में, पुलिस स्टेशन मंडी की जुरिडिक्शन में आता है ये जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो एसओजी पुंछ उसके साथ 183 बटालियन बीएसएफ जिनकी जी ब्रांच जो है वो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रही, उसके साथ साथ 16 RR जो है वो लोकल यूनिट जो है इन सब ने मिल कर के उस एरिया में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और दौरान सर्च एक हाइड आउट जो है वो मिली, जिसको सर्च करने के बाद काफ़ी आर्म्स एंड एमिनेशन की रिकवरी हुई है, जिसकी डिटेल इस प्रकार से है। AK-47 एक है, उसके साथ 3 मैगजीन हैं, 3 चाइनीज़ पिस्टल हैं, उनके साथ 5 मैगजीन हैं, हैंड ग्रेनेड हैं 4 और एक जूबीजल ग्रेनेड है, साथ में एमिनीशन जो है वो पिस्टल का और AK-47 का एमिनीशन है, साथ में एक हैंडसेट भी मिला है। तो ये एरिया जो है वो पीक मिलिटेंसी में काफ़ी इन्वॉल्व रहा है और इस तरह की जो सर्च ऑपरेशन है हम इस तरह के ग्रे एरियाज़ में करते रहते हैं और उसी का नतीजा है कि ये हाइड आउट जो हमें मिली है और उसमें रिकवरी हुई है।
एलसी भी काफ़ी एक्टिवेट हो चुकी है, जैसे कि पुलिस ने पिछले दिनों में काफ़ी ऑपरेशन लॉन्च किए जिसमें OGWs को भी कैप्चर किया गया, और 26 जनवरी भी आ रही है। एक थ्रेट जो है वो अभी भी अक्रॉस द बॉर्डर मिलिटेंट की बनी हुई है, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि इस बॉर्डर एरिया में कैसे जो है वो अपनी हरकतें जो है वो जारी रखें, लेकिन हमारी जो आर्मी है, BSF है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस है, इनका एक रोबस्ट जो है वो सिक्योरिटी ग्रिड है, प्लान है, और उसी का नतीजा है कि हमने 3 जो मॉड्यूल हैं वो मेंढर एरिया में बस्ट किए, जिसमें काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए और उसमें रिकवरीज भी हुई, और इन सब के चलते हुए हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो काफ़ी दुरुस्त है, और हम उनके किसी भी मंसूबे को कामयाब जो है वो नहीं होने देंगे।